एबीपी साझा देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं चरणजीत कौर। लंघे एक महीने तो मान सरकार दावा कर रही है कि ड्रग नेक्सस मामले च कार्रवाई होगी, बर्खास्त एआईजी राजजीत सिंह फड़िया जाएगा, जांच दी आंच वड्डियां तक जाएगी, पर कदों इस सवाल का जवाब अजे तक नहीं मिले। तो उधर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव तो सरकार दियां चिट्ठियां ते भी बैठे ने खामोश, पर एबीपी साझा जो खुलासा कर जा रहा है वह उड़ा देगा थोड़े होश। अजिहा इसलिए क्योंकि तत्काली एसटीएफ चीफ हरप्रीत सिंह सिद्धू ने एसआईटी नूं जो बयान दिता है उस दे विच नाम आया है साबका डीजीपी सुरेश अरोड़ा दा, ते इल्जाम लगे ने गंभीर। सरकार दियां चिट्ठियां ते डीजीपी खामोश। इन्वेस्टिगेशन टीम उन्हां दी बनाई है, लॉ विल टेक इट्स कोर्स। देखो जिहड़ा बंदा लॉ नूं वांटेड है ओह फड़िया जाऊगा जी। एबीपी सांझा दा खुलासा उड़ा देवेगा होश। एसटीएफ चीफ का बयान, साबका डीजीपी का आया नाम। ड्रग नेक्सस मामले च गृह विभाग पंजाब के मौजूदा डीजीपी गौरव यादव तो 17 अप्रैल तो राजजीत सिंह अते इंदरजीत सिंह दे पैरवीकारां दे नाम मंग रहा है, पर डीजीपी गौरव यादव ने किटाल मटोली कर रहे ने। पर असलियत यह है कि साबका एसटीएफ चीफ हरप्रीत सिंह सिद्धू ने जो एसआईटी दे सामने बयान दिते ने उस च ना सिर्फ साबका डीजीपी का नाम आया है, बल्कि साबका डीजीपी सुरेश अरोड़ा ते राजजीत सिंह ते इंदरजीत सिंह दी सपोर्ट करन दे इल्जाम ने। एबीपी सांझा दी एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन च साफ होया है कि किस तरह नाल उस वेले दे एसटीएफ चीफ हरप्रीत सिंह सिद्धू ने तत्काली डीजीपी पंजाब सुरेश अरोड़ा नूं इंदरजीत सिंह दे माड़े अक्स तो जाणू करवा के उसकी पोस्टिंग संवेदनशील इलाकों च ना करन दी मंग कीती सी, पर तत्काली डीजीपी ने इस पासे कोई गौर ही ना कीता। एसटीएफ दे गठन तो बाद इंदरजीत सिंह दी ड्रग स्मगलर्स दे नाल समूलियत एसटीएफ मुखी हरप्रीत सिंह सिद्धू दे ध्यान विच आई सी, ते हरप्रीत सिंह सिद्धू दे मुताबक उन्होंने एक गल तत्कालीन डीजीपी सुरेश अरोड़ा दे ध्यान विच दो दफा लियांदी सी, ते ए भी रिक्वेस्ट कीती सी कि इंदरजीत दी पोस्टिंग किसी सेंसिटिव जगह ते ना कीती जाए, ते किसी ऐसी जगह ते ना कीती जाए जिथे पब्लिक डीलिंग हो। पर सुरेश अरोड़ा ने इस गल ते कोई एक्शन नहीं लिया, जदों कि उस वक्त ड्रग स्मगलिंग नो रोकना राज सरकार दी प्रायोरिटी सी। कैप्टन सरकार ने हरप्रीत सिंह सिद्धू दी अगुवाई च एसटीएफ साल 2017 च बनाई सी। 12 जून 2017 नूं एसटीएफ ने तत्काली इंस्पेक्टर इंदरजीत सिंह नूं गिरफ्तार कीता। उस तो बाद कई खुलासे हुए, पर साल 2017 च दिसंबर महीने च हाई कोर्ट ने एसटीएफ ते राजजीत सिंह वल्लों लाए इल्जामां दी जांच लई एसआईटी बनाई। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय दी अगुवाई वाली एसआईटी सामने एसटीएफ चीफ हरप्रीत सिंह ने बयान दर्ज करवाए कि राजजीत ने खुद नूं जांच दे दायरे च आउंदा देखिया ता मदद ले हरप्रीत सिद्धू कोल सुनेहे भेजे ते फिर झूठी कहानी भी रची। एसआईटी सामने हरप्रीत सिंह सिद्धू दा बयान है कि राजजीत सिंह ने सरकार नूं चिट्ठी लिखी कि हरप्रीत सिंह सिद्धू उसके खिलाफ है। 1 दिसंबर 2017 नूं हरप्रीत सिद्धू ने सीएम दे सीपीएस सुरेश कुमार नूं डीओ लैटर लिखिया। हरप्रीत सिंह सिद्धू नूं पता लग्या कि डीजीपी ने तां उहनां दा पक्ष जाणे बिना ही ACS होम नूं चिट्ठी लिख दित्ती है, ते चिट्ठी दे विच डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने राजजीत वल्लों लाए गए इल्जामां दे पक्ष च लिखिया है। डीजीपी अरोड़ा ने केस दी जांच एसटीएफ तो विजिलेंस ब्यूरो नूं देण दी सिफारिश भी कीती सी। हरप्रीत सिंह सिद्धू ने एसआईटी दे सामने राजजीत सिंह दे नाल किसी निजी रंजिश होण तों इनकार कीता ते कहा कि इह सारी झूठी कहानी है। उन्होंने कहा कि 2003 दे विच जदों ओ जालंधर से एसएसपी सन उस वक्त राजजीत सिंह कुछ महीने वास्ते उन्हां दे अधीन डीएसपी रहे ते उन्हां दा चंगा काम सीगा ते चंगी सर्विसेज करके उन्हां दी जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सीगी ACR सीगी ओ बड़े उच्च ग्रेड दी सी। हालांकि सुरेश अरोड़ा ते लगे इल्जामां दे बाबत जदों सुरेश अरोड़ा नाल एबीपी सांझा ने संपर्क करने की कोशिश की ते बार बार कोशिश करने के बावजूद उन्हां नाल गल नहीं हो सकी। साबका डीजीपी ते राजजीत सिंह ते इंदरजीत सिंह ते वेला रहिंदे कार्रवाई ना करन दे इल्जाम ने, पर राजजीत सिंह ते इंदरजीत सिंह ते जो इल्जाम एसटीएफ चीफ ने
SIT ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ SSP ਮਿਲ ਕੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਡ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂਚ AIG ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ IG ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਗਲਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਜੀਤ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। SIT ਕੋਲ ਰਾਜਜੀਤ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ASI। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ SIT ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। SDF ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਸਰਿਆ ਇਹ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਨੈਕਸਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ABP ਸਾਂਝਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਡਰੱਗ ਨੈਕਸਸ ਅਤੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਖਫਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੋਟ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 2 ਧਮਾਕੇ ਹੋਰ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਨੋਟ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੇਲ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, 3 ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲੇ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਾ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਧਮਾਕਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਲਾਸਟ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ABP ਸਾਂਝਾ ਕੋਲ ਜੋ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਬੀਰ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਲਾਸਟ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਬੀਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ IED ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। IED ਬਣਾਉਣ ਲਈ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਸਫੋਟਕ, ਬਜਰੀ, ਟਿਫਿਨ ਤੇ 2 ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇ ਕੈਨਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। IED ਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ IED ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜੋ 6 ਮਈ ਰਾਤ 11:25 ਤੇ ਚੱਲਿਆ।
आजाद वीर नू अगले दिन पता लग्या कि उसका अमृतपाल सिंह दी रिहाई वाला सुनेहा पंजाब सरकार कोल पहुंचया ही नहीं, क्योंकि अमृतसर पुलिस ने इस घटना नू दबा के इस नू रेस्टोरेंट दी चिमनी च होया धमाका जो करार दे दिता सी। हाँ जी, मैं आन के मौका देखा, ये मतलब जेड़ा पार्किंग है इहदा मतलब शीशा टुटिया होया, तो कोई एहोजी ब्लास्ट वाली जिहड़ी है इत्थे चिमनी जाती है, कि रेस्टोरेंट है नाल, वो चिमनी है जेड़ा गर्म मतलब होने करके जे अंदर कोई गैस बन गई उहदे करके ये शीशा टुटिया हो सकता है। होर कोई जिस तरह का कोई बंब धमाके वाली गल है वह कोई इत्थे इक्विपमेंट कोई नज़र नहीं आया। पंजाब पुलिस की दलील सुनने के बाद आजाद बीर ने एक होर तंबाका करन दा प्लान बनाया। 7 मई नू रात 10 बजे दूजी आईडी तैयार की, 8 मई सवेरे 4 बजे हेरिटेज स्ट्रीट ते आईडी नू प्लांट किया। आईडी नाल आजाद बीर ने हथ लिखित नोट भी छड़िया, नोट च अमृतपाल सिंह ते लाए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का सवाल पूछा। पर जदों आजाद बीर नू लग्या कि उसके धमाकों का कोई असर ही नहीं होया, फिर उसने तीजा धमाका करन दा फैसला लिया। तीजा धमाका उसने रामदास सरां दे पिछले पासे कीता। 11 मई रात वेले 25 ग्राम विस्फोट अते बजरी नाल आईईडी बनाई। 12:09 ते आईईडी श्री गुरु रामदास सरां दे बाथरूम दी खिड़की तो बाहर सुट्टी। हथ लिखत सुनेहे च हरिमंदर साहब दे आले दुआले तंबाकू दी विक्री बंद करन दी मंग कीती। नोट च तिरंगा बना के गोल्डन टैंपल आने वालों भी चेतावनी दी। नोट दे विच आजाद बीर ने पहले दो धमाकों की जिम्मेवारी भी ली। ये सब आजाद बीर ने अमृतपाल सिंह नू छुड़ाउण अते उसते लाए नैशनल सिक्योरिटी एक्ट के विरोध च किया, क्योंकि आजाद बीर ना सिर्फ अमृतपाल सिंह तो प्रभावित सी बल्कि जदों अमृतपाल सिंह दुबई रहिंदा सी उदों आजाद बीर क्लब हाउस ऐप से उसके नाल गल्लां भी करिया करदा सी। आजाद बीर सिंह दीप सिद्धू तो भी प्रभावित सी। चाहे पंजाब पुलिस ने मुलजमान नू फड़ लिया, पर यह अहम है कि जेकर अमृतसर पुलिस पहले धमाके नू ना दबाउंदी तां होर दो धमाके हुंदे ही ना। हुण तुहानू इह वी दसदे आं कि आजाद बीर सिंह ने धमाका खेज समगरी किवें इकट्ठी कीती ते आईडी किवें बनाई। एक महीना पहला आजाद बीर ने धर्मिंदर सिंह ते हरजीत सिंह नाल संपर्क किया। आजाद बीर ने कहा कि व्याह समागम लई पटाके बनाउणे ने, इसे लई पोटाश लिया के दित्ती जाए। धर्मिंदर अते हरजीत नू पोटाश लैण दे लई 1500 रुपए दिते। धर्मिंदर ते हरजीत ने साहिब सिंह तो आजाद बीर सिंह दे लई 1 किलो पोटाश, 100 गत्ते दे डब्बे ते धागे लियांदे। धर्मिंदर, हरजीत ते आजाद बीर पटाके बनाउण दे लई पिंड वडाला गए। आजाद बीर ने खेतां च धर्मिंदर हरजीत तो पटाके बनाउणे सिखे ते सिखण दे बाद आजाद बीर सिंह ने 3 आईईडी तैयार कीते। जनवरी 2023 दे विच नशा छड़ाऊ केंद्र दे विच आजाद बीर जदों भर्ती होया सी तां उसे केंद्र दे विच धर्मिंदर अते हरजीत तों मिलिया सी अते उसे लिंक दा इस्तेमाल करके आजाद बीर ने धर्मिंदर ते हरजीत सिंह तों पटाश हासिल कीती। बेशक पंजाब पुलिस दावा कर रही है कि मुलजम फड़े गए ने, पर इस गल तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि पहले धमाके की जांच फेल रही पंजाब पुलिस की नाकामी का नतीजा है कि होर धमाके होए। ये तो राहत की गल सी कि धमाकों की तीव्रता घट सी, पर जिस तरह की लापरवाही पंजाब पुलिस ने दिखाई है वह खतरनाक भी हो सकती सी। सवाल यह भी कि आखिर वार वार पंजाब च होने वाली वारदातों रोकना तो की जांच भी पंजाब पुलिस इन्नी पछाण रही है। पंजाब सरकार ते मोदी सरकार दरमियान एक बार मुड़ तो आरडीएफ ते फस गया पेच। पूरी खबर ब्रेक दे उस पार। आरडीएफ दे मसले ते मोदी सरकार ते मान सरकार दरमियान पेच फसिया होया, ज्यों दा त्यों ए रेड़का बरकरार है। एक बार मुड़ तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र नूं चिट्ठी लिखी है, मंग कीती है कि आरडीएफ 3% दी दित्ता जाए। हालांकि केंद्र कह चुक्या है कि आरडीएफ 0 ही रहेगा ते मंडी फीस भी 2% कीती गई है। तुहानूं दस दें कि आखिर आरडीएफ हुंदा की है ते कदों तों ए रेड़का चलदा आ रहा है। आरडीएफ ते आर पार केंद्र वर्सिज मान सरकार।
केंद्र के कहे मुताबिक मान सरकार ने नियमों ते खरे उतरन का पूरा जोर लाया पर RDF का अजे भी नहीं मिलिया। केंद्र पंजाब नू कह चुका है कि मंडी फीस 2% मिलेगी ते RDF ता सिफर हो गया है। RDF हासिल करन दिया तमाम कोशिशां करन वाली मान सरकार केंद्र दे इस रवैये तो खासी औखी है। एक बार हुण मुड़ तो मुख्यमंत्री नू केंद्र नू चिट्ठी लिखनी पई है। केंद्र वल्लों RDF दे पैसे रोके जाण नू गलत दसदियां मंडियां दे बुनियादी ढांचे ते असर पैण दी चिंता जताई है। ये अफसोस की गल है कि RDF 2023-24 की कॉस्ट शीट चो हटा दिता गया है। पंजाब देहाती विकास एक्ट 1987 के सैक्शन 7 तहत 3% RDF देना बनता है, पर इन खर्चों कटौती देहाती ढांचे और आर्थिकता प्रभावित करेगी, जिस करके मंडी बोर्ड और देहाती विकास बोर्ड मंडिया के ढांचे और होर विकास कार्यों लिए कर्जे और देनदारियां देने च असमर्थ हो जाएगा। यह भी दसना जरूरी है कि सूबा सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया के कहे मुताबक पंजाब रूरल डिपार्टमेंट सोध भी की है। सो बेनती है कि कॉस्ट शीट च RDF 3% किया जाए। वैसे RDF ले पंजाब सरकार ने ना सिर्फ विधानसभा च बिल पास करके सोध की थी, सगो CM केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कोल मुलाकात करके भी बेनती करके आए सन, क्योंकि केंद्र वाल पंजाब दा 3,000 करोड़ रुपए दा देहाती विकास फंड बकाया है। पर मुलाकात दा सिट्टा तक कोई निकलिया नहीं। पंजाब नु कदो तो आस है कि बकाया मिलेगा, पर अजिहा तो हो ही नहीं रहा। 2021 दे सौनी सीजन दा 1,110 करोड़ रुपए बकाया, 2022 दे 650 करोड़ रुपए हाड़ी सीजन दा बकाया, सौनी सीजन दा 1,112 करोड़ रुपए बकाया, यानी कि कुल होया 2,872 करोड़ रुपए बकाया। बकाया मंडी विकास फीस भी है, जो है 215 करोड़ रुपए, कुल 3,095 करोड़ रुपए केंद्र वाल बकाया। देखो ये BJP सरकार दी जदों दी एक साल होया आम आदमी पार्टी दी पंजाब सरकार बनी है। BJP सरकार मोदी सरकार लगातार धक्के कर रही है पंजाब ना। पहला भी रवैया जिहड़ा BJP पार्टी दा जां कांग्रेस दी गवर्नमेंट रही है पंजाब ना मतरेई मां वाला ही रहा। पहला काले कानून बनाते इसे BJP सरकार ने साढ़े किसानां नूं एक साल दिल्ली दीआं बरूहां ते रोलिया, 750 तों वध साढ़े किसान शहीद हो गए। हुण फिर जिहड़ा साडा RDF फंड आ उह रोक लिया, मार्केट फीस है जिहड़ी 3% ही आ के 2% करती आ। ते वेखो ये वड्डे फंड जिहड़े कि साडे पेंडू सड़कां बणाउण दे विच सही हुंदे सी, साडे जिन्ने भी कच्चे रस्ते सी ओह पक्के करन दे विच RDF फंड मार्केट फीस ओह सही हुंदी, लंबे समें तों रोके आ। रूरल डिवेलपमेंट फंड दे पैसे बारे मुख्यमंत्री पंजाब ने कहा है, पर उहनां नूं देखणा चाहीदा कि उहदे च नियमां दी उलंघना होई कि जिथे खर्च करन लई ओह पैसा हुंदा मंडियां ते जां बुनियादी ढांचा जां रूरल पेंडू बुनियादी ढांचे ते उत्थे नहीं खर्च किया गया, ये चाहे पिछलियां सरकारां दा काम सी। पर मैं मुख्यमंत्री जी नूं कहूँगा कि भाषण देण नाल बयान देण नाल जां किसी दी केंद्र दी बदनामी करन वाला मुद्दा नहीं है। कोई केंद्र दा वजीर भी होए, कोई पंजाब दा मुख्यमंत्री होवे, कोई वजीर होवे, नियमां दी सब नूं पालना करनी पैंदी है। और जे इन्हां सरकारां ने नहीं किया तां उह पंजाब सरकार दा दोष सी, जिहड़ी भी सरकार रही, जिहड़ी भी पोलिटिकल पार्टी रही। पर अज उन्हों दुरुस्त करना भी इस सरकारी काम फाइलों ते हुंदे आ, कागजां ते हुंदे आ, भाषणां नाल नहीं हुंदे। इसलिए हुण मान सरकार ते मोदी सरकार दरमियान तकरार पूरी है। केंद्र दे मंग मुताबिक मान सरकार ने 13 अप्रैल 2022 नूं पंजाब रूरल डिवेलपमेंट एक्ट 1987 च सोध कीती सी। मान सरकार ने केंद्र नूं जताया सी कि पिछलियां सरकारां दी तरह निजी मुफाद लई फंड दी वरतों नहीं करांगे, पर मुख्यमंत्री दीआं इन्हां कोशिशां दा नतीजा कुछ ना निकलिया। इसलिए मुख्यमंत्री मान ये भी कह चुके ने कि जेकर फंड ना मिलिया तां अदालत दीआं बरूहां ते भी जावांगे। हुण तुहानूं दसदे आं कि आखिर इह देहाती विकास फंड हुंदा की है। देहाती विकास फंड खरीददार ते लगदा है। पहला RDF 3% सी, 2021 दे विच केंद्र ने इसनूं 2% कर दिता ते हुण तां सिफर कर दिता है। 2021 दे सौनी सीजन तो RDF बकाया चलदा आ रहा है। पंजाब च किसानां दी सहूलत लई तकरीबन 1800 मंडियां ने। मंडी बोर्ड दी सालाना आमदन तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए है। RDF अते मंडी फीस 67,000 किलोमीटर पेंडू लिंक रोड ते होर प्रोजेक्ट्स दे लई वरती जांदी है।
इस तो पहला प्रकाश सिंह बादल दी सरकार च साबका केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सूबे तो पुछया सी कि आखिर आरडीएफ दा पैसा किथे खर्चा जा रहा है। फिर कैप्टन अते चन्नी सरकार वेले भी आरडीएफ दे मसले ते खूब रौला पिया सी, जिस तो बाद मान सरकार ने विधानसभा च बिल लिया के केंद्र सरकार नूं भरोसा दवाया कि आरडीएफ दे पैसे दी वरतों सही थां ते कीती जाएगी, पर नतीजा सिफर है। पंजाब दे पल्ले कुछ नहीं पिया। इमरान खान एक बार मुड़ तो ने फ्रंट फुट ते फौज है बैक फुट ते, पूरी खबर ब्रेक दस पार।